दैट इज नथिंग, बट अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट्स. ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स पढ़ने वाले. अब एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में मैं क्या बोलता हूँ, अभी तक हमने इससे पहले जो सेक्शन डील किया था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देखा था. ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में मतलब साइन एक्स बाई एक्स, टैन एक्स बाई एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, टैन इनवर्स एक्स बाई एक्स. ठीक है, ऐसे फॉर्म देखे थे आपने, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है. ठीक है, तो वो सब चीज़ आपने देखी थी. अब जो हम देखने वाले हैं उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन्वॉल्व होगा, या मैं बोल सकता हूँ लॉगरिथमिक लिमिट्स. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम इज नथिंग बट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो वो इसमें कवर हो जाएगा. ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है. तो अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई रेज टू पावर ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो पहले चेक करेंगे क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है. यस, देखो अगर एक्स जीरो को जाएगा तो ई रेज टू पावर जीरो वन को जाएगा, तो वन माइनस वन जीरो को जाएगा और नीचे भी एक्स जीरो को जा रहा है, तो जीरो बाई जीरो का इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है यहाँ पे. ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सबसे अच्छी चीज जो बताई है वो बताई थी आपको एक्सपांशन एंड सीरीज. तो ई रेज टू एक्स का एक्सपांशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स का एक्सपांशन होता है वन प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स. अब जब मेरा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इफेक्टिव डिग्री क्या है यहाँ पे, छोटे से छोटा वन, यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पे x by x आपका आंसर क्या जाएगा 1 आ जाएगा. तो इसका वैल्यू आप याद रखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज नथिंग बट ऑलवेज 1. ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू हैव टू मेमोराइज. ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं. अगर मेरे पास कुछ ऐसे लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर ऑफ x माइनस 1 अपॉन x, अब सेम वे में इसको प्रोसीड करेंगे, a की पावर x को क्या लिख सकते हैं e रेज टू पावर ऑफ x ln a. जब मैं एक्सपांशन की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, हर एक एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हैं यहां पे 1 प्लस x ln a प्लस x ln a का होल स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, और चलता जाएगा माइनस 1 लिखा है अपॉन x लिखा है, तो सेम चीज यहां पे भी होगी x ln a अपॉन x, तो यहां पे क्या आ जाएगा ln a. तो इसको भी याद रखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a raised to power x minus 1 upon x is ln a. It's a very important result. अच्छा, अब ये जो चीज लिखी हुई है ये एक जनरल चीज है. जनरल चीज का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा होता है लिमिट सम स्टोरी, है ना, x नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ स्टोरी लिखा हुआ है अप्रोचेस टू 0 e raised to power some story minus 1 upon that story. ठीक है, अब देखो यहां पे जो स्टोरी है और यहां पे स्टोरी है दीज नीड नॉट बी सेम. यहां पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है, एक एग्जांपल अच्छा वाला ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, यहां पे एक्स 0 को जा रहा है ई रेज टू पावर ऑफ साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, तो क्या हुआ स्टोरी लिखा हुआ है, ये जो स्टोरी है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, ई रेज टू पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन दैट थिंग, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये गिवन एक्सप्रेशन आपको क्या देगा वैल्यू 1 देगा. ठीक है, अच्छा अब बहुत सारी जगह ना मैं क्या करूंगा इसका एक शॉर्टकट यूज करूंगा. शॉर्टकट क्या है मैं आपको साथ ही साथ शॉर्टकट भी बताता चल रहा हूं. क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मैंने साइन में आपको शॉर्टकट्स बताए थे वो शॉर्टकट्स यहां पे भी चलेंगे. कैसे चलेंगे, देखो अगर मेरे पास लिखा हुआ है ई की पावर में कुछ स्टोरी, या स्पेसिफिकली मैं लिख लेता हूं ई रेज टू पावर ऑफ एक्स माइनस 1 लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये इक्विवेलेंट होता है एक्स के जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है. ठीक है, मैं इसको एस से रिप्लेस कर सकता हूं, ये एक शॉर्टकट है. ऐसा मैंने क्यों बोला ऐसा मैंने इसीलिए कहा है, क्यों, देखो अगर मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर ऑफ एक्स माइनस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा यहां पे एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये वाला एक्सप्रेशन मेरा 1 को चला जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स. तो जब भी e की पावर x माइनस 1 लिखा है उसको मैं x से लिख सकता हूं. सिमिलरली तो यहां पे आपको याद रखने की ये चीज है कि जब मेरा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है e की पावर में कुछ स्टोरी लिखा है माइनस 1 लिखा है, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को उस स्टोरी से रिप्लेस कर सकता हूं. क्यों, क्योंकि जो स्टोरी लिखा है और वो नीचे स्टोरी से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो मेरा फाइनल आंसर स्टोरी आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन 1 को चला गया. ठीक है, अगर अभी नहीं पता चल रहा है तो कीप इट इन योर माइंड. I'll be doing questions in that I'll be using the shortcut and I'll be letting you know also the shortcut. ठीक है,
मैं फिर से ये चीज बताने वाला हूँ जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या लिखा है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ई की पावर एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2. अब देखो, जब एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? जीरो को कर रहा है. मतलब जो स्टोरी है वो जीरो को जा रही है, और नीचे भी सेम स्टोरी लिखी है और वो भी जीरो को जा रही है. मतलब ये एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? ई की पावर द स्टोरी माइनस 1 अपॉन द सेम स्टोरी, बोथ ऑफ दी स्टोरी शुड बी अप्रोचिंग टू जीरो. अच्छा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखेंगे. e की पावर साइन x जीरो को जा रहा है, माइनस 1 अपॉन साइन x होना चाहिए. तो मैं यहां क्या कर सकता हूं, टैन को लिख सकता हूं साइन x अपॉन कॉस x. तो जो ऊपर चला जाएगा वो कॉस x चला जाएगा, ठीक है? अब देखो, e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन साइन x, तो ये वाली जो चीज है ये पूरी 1 को जाएगी, कॉस भी 1 को जाएगा, तो मेरा एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा. अच्छा, ये मेथड 1 थी इसको करने की. मेथड 2 क्या है? एक शॉर्टकट है जो मैंने आपको बताया था. क्या है शॉर्टकट? देखो, e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन टेन x लिखा है. तो मैंने आपको एक चीज बताई कि जब भी मेरा e की पावर साइन x माइनस 1 लिखा है और x अप्रोचेस टू 0 है, तो मैं इसको स्टोरी से रिप्लेस कर सकता हूं. तो यहां पे स्टोरी क्या है? साइन x है. तो क्वेश्चन बन जाएगा साइन x अपॉन टेन x का. अब साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं इसको. साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, बचेगा कॉस x, आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है? अब आप बोलेंगे, सर ये शॉर्टकट कहां से हुआ, यहां पे तो जल्दी आंसर आ गया. देखो, ये एक लाइन ऑफ थिंकिंग है. अगर आपने ये लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप कर ली तो आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक है? अभी तो हम बहुत सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेंगे, अगर शॉर्टकट्स को यूज करोगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा. बट कीप इट इन माइंड, यू कैन गो रॉन्ग. व्हाई यू कैन गो रॉन्ग? क्योंकि शॉर्टकट क्या कर रहा है, पहले लिमिट यहां अप्लाई कर दे रहा है, उसके बाद सॉल्व कर रहा है और लिमिटिंग का वैल्यू निकाल के 1 आंसर दे रहा है. लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? शॉर्टकट गलत नहीं है और शॉर्टकट गलत आंसर नहीं देगा, बट शॉर्टकट की वजह से आपको गलत आंसर मिल सकता है. क्यों? क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, ठीक है? यहां मेरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. मेरा अंडरस्टैंडिंग क्यों क्लियर है? मेरा अंडरस्टैंडिंग इसीलिए क्लियर है, मुझे पता है अगर मैं साइन एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा तो वैसे ही एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, और जो यहां साइन एक्स है वो टेन के साथ कटेगा, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बचेगा. लेकिन एक बड़े क्वेश्चन में अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है, आपने शॉर्टकट लगा दिया और फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बचा आपके पास, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, ओके, सो टिल नाउ वी आर सेफ, है ना? अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आप फंसेंगे, लेकिन एडवांस में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या लिखा है? ex माइनस eq अपॉन x स्क्वायर माइनस 9. तो अगर मैं चेक करूं तो ये मेरा एक्सप्रेशन जो है वो जीरो को नहीं जा रहा है, बट eq को जा रहा है. लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या था कि जो मेरा एक्सप्रेशन है वो माइनस 1 से अगर सब्ट्रैक्ट हो तो जीरो को जाए, ठीक है? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, e क्यूब कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा क्या? e रेस्ट टू पावर ऑफ x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू x प्लस 3, ठीक है? इसको भी फैक्टराइज कर लिया हमने. अब देखो, e क्यूब कॉमन लिया आपने, तो e की पावर x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3. तो देखो, जब मेरा x 3 को जा रहा है तो ये स्टोरी कहां जा रहा है? 0 को जा रहा है. तो e रेस्ट टू पावर 0 1 को जा रहा है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. अब ये वाला स्टोरी भी 0 को जा रहा है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 1 हो जाएगा, और जब 3 इसमें सब्स्टिट्यूट होगा तो 6 हो जाएगा. तो आपका आंसर आ जाएगा e क्यूब बाय 6. आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस नाउ. ओके, अच्छा, अब देखो, ठीक है, तो जो आपका e का पावर है वो 0 को जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ x कहां पे जा रहा है. तो x मेरा अगर 3 को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, और वो सेम स्टोरी नीचे लिखा हुआ है. अगर यहां पे वो सेम स्टोरी लिखा हुआ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको उस स्टोरी से रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, जैसे हमने यहाँ किया, जैसे यहाँ टेन था लेकिन यहाँ पे साइन था, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं साइन से रिप्लेस कर सकता हूँ. ओके, वो हमने शॉर्टकट में डिस्कस किया हुआ है. अब मैं देखता हूँ, ए रेस टू पावर ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 इज नथिंग बट एल एन ए. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? एल एन 2. ओके, अच्छा, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे. देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, ई की पावर 10 एक्स एक्स अप्रोचेस टू 0. तो ई रेस टू पावर 0 हो रहा है, 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा. नीचे देखो, तो ये 1 माइनस 1 0 बन रहा है, नीचे 1 माइनस 1 0, 0 और 0. अब मुझे एक चीज पता है, क्या पता है? देखो, शॉर्टकट से इसको मैं क्या लिख सकता था, हमेशा tan इनवर्स 2x को मैं लिख सकता हूं 2x 3x. इसको देखो, शॉर्टकट से क्या लिख सकते हैं, e रेस टू पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन दैट थिंग. तो e रेस टू पावर 2x माइनस 1, ये x को अप्रोच, x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये भी 1 को अप्रोच करेगा पूरा एक्सप्रेशन, 1 माइनस 1 0. तो ये वाले एक्सप्रेशन को मैं विद शॉर्टकट क्या लिख सकता हूं, 2x. क्यों? 2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो आप.
अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 1 को चला जाएगा, तो 1 इंटू 2x 2x ही बचेगा। तो आपका क्वेश्चन अभी कहां रिड्यूस हो गया है, आपका क्वेश्चन अब रिड्यूस हो गया है e रेज टू द पावर ऑफ टेन एक्स माइनस e रेज टू पावर ऑफ साइन एक्स अपॉन 2x 2x एंड 3x 3 टू 6 6 इंटू 2 12 तो ये आ जाएगा 12x क्यूब। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। अब देखो अभी मैं क्या करूंगा, e की पावर sin x को कॉमन ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि tan लिखा हुआ है sin by cos, तो मैं क्या करता हूं e की पावर sin x को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा आपके पास e की पावर 10x माइनस sin x माइनस ऑफ 1 अपॉन 12x क्यूब, यही बचेगा। अब जब मेरा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो e की पावर sin x 1 को चला जाएगा, तो वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा अब e रेस्ट टू पावर ऑफ समथिंग अगर 0 पुट किया तो 0 माइनस 0 0 तो 1 माइनस 1 0 बाय 0 का फॉर्म बन रहा है। अब मुझे एक चीज पता है शॉर्टकट से, क्या पता है e की पावर में जो स्टोरी लिखा है माइनस 1, अगर ये स्टोरी 0 को जा रहा है तो मैं पूरे एक्सप्रेशन को स्टोरी से रिप्लेस कर सकता हूं, तो यहां क्या आ जाएगा टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 12x क्यूब। अच्छा अब यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, देखो टेन एक्स माइनस साइन एक्स लिखा है टेन एक्स माइनस साइन एक्स लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, या आप ऐसे बोलो बाद में ले लेते हैं, एक स्टेप में और लिख देता हूं, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब जब मेरा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो cos x 1 हो जाएगा, जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको हटाते जाओ। अब देखो sin x into 1 minus cos x बचा, तो ये क्या एक्सप्रेशन बचा sin x into 1 minus cos x upon 12x cube। अब देखो sin x cube है तो वो x और x square में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 minus cos x upon x square half की तरफ जाएगा, sin x by x 1 की तरफ जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन 1 by 12 into half 1 by 24 हो जाएगा, तो given answer is nothing but equal to 1 upon 24, तो note कर लेंगे, then we will be going for logarithmic indeterminate forms।